हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले नोकिया 6.2 के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया के बाहर लॉन्च हो चुका है नोकिया X71 के नाम से, और अभी ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जो है ये स्मार्टफोन नोकिया 6.2 के नाम से आएगा। इसमें आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है और प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ये सभी जानने में तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं इसी स्मार्टफोन के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है मिनाक्षर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विंचारी। तो चले देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है वो है पंच होल डिस्प्ले, और इसके साथ ये जो डिस्प्ले होगा उसमें आपको एक सेल्फी कैमरा मिलेगा जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एपर्चर मिलेगा वो है F2.0 का। और अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की तो यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर मिलने वाला है वो है स्नैपड्रैगन की तरफ से 660। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, एक बजट प्रोसेसर है। और ये जो डिस्प्ले है वो है 6.39 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया रखा है। ये स्मार्टफोन आने वाला है 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ में। और अगर मैं बात करूँ कैमरा की तो इसमें आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला कैमरा होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, जहाँ पर आपको एपरेचर मिलने वाला है वो है F1.8 का। दूसरा होगा 8 मेगापिक्सल का और तीसरा होगा 5 मेगापिक्सल का। तो कैमरा भी काफ़ी बढ़िया होने वाले हैं। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 9 Pie का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ 3500 mAh की बैटरी मिलने वाली है और 18W का फास्ट चार्जिंग भी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। इसके साथ में इसकी जो लॉन्च डेट है इंडिया में वो है 6 जून को, तो 11:30 बजे जो है ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और इसके साथ इसकी जो प्राइस है वो ज़रूर से होनी चाहिए 15-16 हज़ार के बीच में, क्योंकि इतनी प्राइस में अगर ये आ जाए तो काफ़ी कमाल कर देगा। रेडमी नोट 7 प्रो रियलमी 3 प्रो को काफ़ी कम्पेट करेगा। और अगर ये ज़्यादा प्राइस में आता है 18-20 हज़ार की रेंज में, तो मुझे लगता है कि उनको वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस। तो अभी देखते हैं, हमें 6 जून को पता चलेगा इसकी प्राइस क्या होगी। मुझे लगता है 16-17 हज़ार के बीच में होगी, तो ये अच्छी है। अभी देखते हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को, जरूर से लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।